नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपल्सरी अप्रोच फॉर द पेरिफेरिकल मील कटर। तो पेरिफेरिकल मील कटर में जो हम कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द कंपल्सरी अप्रोच। सो इसको हम इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई भी वर्कपीस है उसके ऊपर से आपको किसी मटेरियल की सरफेस रिमूव करनी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पेरिफेरिकल मील कटर का जो स्पिंडल होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो जब सबसे पहले आपका पेरिफेरिकल मील कटर फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट में आएगा वर्कपीस के तो वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका वर्कपीस का क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द पेरिफेरिकल मील कटर। और कंपल्सरी अप्रोच क्या होती है, कंपल्सरी अप्रोच होती है इस सेंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि जो आपका वर्कपीस का ये वाला पॉइंट है आपके पेरिफेरिकल मील कटर के इस पॉइंट के नीचे आ गया, मतलब ये वाली लाइन इससे क्या हो गई, कोइंसाइड हो गई। ये वाली लाइन क्या होगी, इससे क्या होगी, कोइंसाइड होगी, मतलब ये वाला पॉइंट और इसका सेंटर कब आमने सामने आएंगे, इस कॉल करने के लिए आपके जो मील कटर ने जितना डिस्टेंस टर्न किया है, जितना डिस्टेंस टर्न करके आगे ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं पेरिफेरिकल मील कटर। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले था वो ओवन पॉइंट पर था, तो जब वो ओवन पॉइंट पर था टूल आपका तो इस कंडीशन में वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में था, दैट इज द पॉइंट बी, दैट इज द पॉइंट बी। अब जब आपका ये पेरिफेरिकल मील कटर रोटेट करेगा तो जब ये रोटेट करेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो आगे की तरफ जाने के बाद कुछ टाइम के बाद ये ओ2 सेंटर पर आ चुका है, ठीक है, कहाँ पर आ गया, ओ2 सेंटर पर। और ये जो ओ2 सेंटर है और ये जो बी है ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में है, और एक ही वर्टिकल लाइन में होने के कारण ये जो पॉइंट ए होगा, ये जो ए पॉइंट होगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे। और अब आपका टोटल डेप्थ ऑफ कट क्या होगा, इस पेरिफेरिकल मील कटर के नीचे आ जाएगा। सो दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, कि हमें इतने डेप्थ ऑफ कट का मटेरियल रिमूव करना है। और इतना डेप्थ ऑफ कट का मटेरियल रिमूव होना कब स्टार्ट होगा, पहले तो पेरिफेरिकल मील कटर के नीचे ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, एंड एट लास्ट कौन आएगा, ए पॉइंट आएगा। ए पॉइंट आने के बाद आपका पेरिफेरिकल मील कटर जब भी रोटेट करेगा तो ये जो डेप्थ ऑफ कट होगी ये वही की वही बनी रहेगी, और एंड में जब आपका पेरिफेरिकल मील कटर इस पोजीशन पर आएगा तो इस पोजीशन पर आने के बाद आपका सारा का सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जितना मटेरियल रिमूव करना चाहते हो उतना मटेरियल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो जो कंपल्सरी अप्रोच होगी पेरिफेरिकल मील कटर के लिए, किसके लिए, पेरिफेरिकल मील कटर के लिए, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ओ1 टू ओ2, उसकी वैल्यू क्या होगी, ओ1 टू ओ2, एंड दिस ओ1 ओ2 इज ए डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द पेरिफेरिकल मील कटर। ये एक ही पेरिफेरिकल मील कटर है लेकिन इसकी पोजीशन चेंज होने के कारण इसका जो सेंटर है वो आगे की तरफ खिसक चुका है, वो आगे की तरफ मूव हो चुका है। तो इन दो सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ट्राइंगल आपका ओ वन ओ टू बी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल होने के कारण हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, जो आपका ओ वन बी का स्क्वायर होगा इट विल बी इक्वल्स टू ओ वन ओ टू स्क्वायर प्लस ओ टू बी स्क्वायर, ओ टू बी स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ओ वन ओ टू, वैल्यू ऑफ द ओ वन ओ टू विल बी इक्वल्स टू ओ वन बी स्क्वायर माइनस ओ टू बी स्क्वायर, ओ वन बी स्क्वायर माइनस ओ टू बी स्क्वायर। वट इज द वैल्यू ऑफ द ओ टू बी, द वैल्यू ऑफ द ओ टू बी विल बी इक्वल्स टू, द वैल्यू ऑफ द ओ टू बी विल बी इक्वल्स टू ओ टू ए माइनस ए बी, इट विल बी इक्वल्स टू ओ टू ए माइनस ऑफ ए बी, एंड वी नो दैट द ओ वन बी इक्वल्स टू ओ टू ए इक्वल्स टू डी बाई टू, एंड ए बी इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ कट, एंड इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एंड अगर आप इसको इसके इक्वल करते हैं x के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा आपके अंडर रूट ऑफ ओ वन बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ वन बी की जगह मैं लिख सकता हूँ डी बाई टू होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस ऑफ, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं लिख सकता हूँ जो आपकी ये वैल्यू है किसकी,
ओ टू ए की, ओ टू ए की वैल्यू भी क्या है डी बाई टू, सो इट विल बी इक्वल्स टू डी बाई टू, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है डी, इट इज माइनस ऑफ डी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द ओ टू बी, और ओ टू बी का क्या है स्क्वायर है, ओ टू बी का क्या है स्क्वायर है, एंड इफ यू सोल्व दिस वैल्यू दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यू नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी, बट इज ए प्लस बी, ए इज डी बाई टू प्लस डी बाई टू माइनस डी, सो इट विल बी इक्वल्स टू डी बाई टू माइनस डी, सो दिस इज ए प्लस बी. नाउ कम टू द ए माइनस बी, वट विल बी ए माइनस बी, ए इज डी बाई टू माइनस ऑफ वट इज बी डी बाई टू माइनस डी, सो इट विल बी इक्वल्स टू डी बाई टू माइनस डी, सो दिस इज a plus b, this is a minus b. If you solve this further, you will get the value of the x as a under root of d into d minus of d. The value of the x will be equals to under root of d into d minus d. So where small d is the depth of cut, capital D is the diameter of the what is capital D? Capital D is the diameter of the कटर, कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द कटर. याद कर लो इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को आपको अपनी शीट में लिखना पड़ेगा. अरे यार, इस फॉर्मूला को आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपनी इस फॉर्मूला को क्या लिखना पड़ेगा, आपको अपनी शीट में लिखना पड़ेगा. ये फॉर्मूला आई थिंक नीचे विजिबल नहीं है, सो मैं ये फॉर्मूले को क्या कर लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ. सो द फॉर्मूला ऑफ द एक्स विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी इंटू डी माइनस ऑफ डी, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपल्सरी अप्रोच फॉर पेरिफेरिकल मिल कटर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरिफेरिकल मिल कटर कंपल्सरी अप्रोच. नेक्स्ट पॉइंट इज द मशीनिंग टाइम, नेक्स्ट पॉइंट इज द मशीनिंग टाइम, सो लेट्स कम टू द मशीनिंग टाइम. द फॉर्मूला ऑफ द मशीनिंग टाइम, यू नो दैट दिस विल बी इक्वल्स टू टी एम इक्वल्स टू LA डिवाइड बाई एफ एन, टी एम इक्वल्स टू LA डिवाइड बाई एफ एन, लेकिन यहां पर हम एफ एन का यूज नहीं कर रहे हैं. फॉर मशीनिंग टाइम वी आर यूजिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम फॉर्मूला. वट इज द फॉर्मूला ऑफ द मशीनिंग टाइम, द फॉर्मूला ऑफ द मशीनिंग टाइम इज इक्वल्स टू LA डिवाइड बाई एफ टी जेड एंड एन, LA डिवाइड बाई एफ टी जेड एंड एन. सो वट इज द यूनिट ऑफ एफ डी, यूनिट ऑफ एफ डी इज, इट इज द फीड पर टूथ, इट इज एम एम पर टूथ. वट इज द यूनिट ऑफ जेड, जेड इज द नंबर ऑफ टूथ पर रेवोल्यूशन. एंड वट इज द यूनिट ऑफ एन, यूनिट ऑफ एन इज वट, वट इज द यूनिट ऑफ एन, यूनिट ऑफ एन इज रेवोल्यूशन पर मिनट. सो टूथ टू टूथ विल बी कैंसिल आउट, रेवोल्यूशन टू रेवोल्यूशन विल बी कैंसिल आउट, एंड द यूनिट ऑफ एल ई इन mm, and this unit will be also in mm per minute, and the unit of tm will be in minute, the unit of the tm will be in mm. We can write this formula as a tm equals to le divided by fm, le divided by fm, and the unit of le should be in mm, and the unit of mm should be in mm per minute, and the unit will come in minute, which means the value of the fm is equals to ft into z into n, ft into z into n, where ft is the mm per tooth, feed provided per tooth. What is z? Z is the total number of tooth, and n is the revolution per minute, n is the revolution per minute. And from this formula, is formula se aap kiski value nikal sakte ho, ft ki value nikal sakte ho. What will the value of the ft, ft ki value kya hogi, fm divided by nz, fm divided by z n. So this will be the value of the ft, this will be the value of the ft. So for machining time aapko ye formula apni sheet mein likhna hai. आपको ये फॉर्मूला किस में लिखना है, अपनी शीट में लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी आपके आगे काम में आने वाला है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट विच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला. सो द क्वेश्चन नंबर
वन. क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग ए मिलिंग कटर ऑफ 70 mm डायमीटर. सो द क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग ए मिलिंग कटर ऑफ 70 mm डायमीटर विद 12 टीथ इज ऑपरेटिंग एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 22 meters per minute विद नंबर ऑफ टीथ आर 12 ऑपरेटिंग एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 22 meters per minute 22 meters per minute and a feed of 0.05 mm per tooth. It is given per tooth, so it is 0.05 mm per tooth. It is asking the value of the feed per minute. It is asking the value of the FM, and the unit of the FM is feed per minute. And the unit of the FM is feed per minute. And the what is the formula of FM? FM ki value kya hoti hai? FT into Z into N. FT into Z into N. What will be the value of the N? N will be equals to V into 1000. Ye aapko aata hai. Divide by pi into D. It is a very good question. What is the value of the V? Value of the V is 22. Value of the V is 22 into 1000 into 1000 divide by pi. What is the value of the pi? 22 into 7. What is the value of the D? D value is 70 mm. D value is 70 mm. So 0 to 0 will be cancelled out. 22 to 20 will be cancelled out. 7 to 7 will be cancelled out. And the value of the N will be equals to 100 rpm. The value of the N is 100 rpm. The value of the FM will be equals to, what is the value of the FT? It is 0.05 into 100 into the value of the Z is 12. So this value will be equals to 60 mm per minute. Okay, 60 mm per minute. It's a very good question. Next milling operation is the foam cutter. ठीक है, with the help of the foam cutter हम क्या करेंगे? Milling करेंगे. So it will be known as a foam milling operation. और foam milling operation हम किसे use करते हैं? फोम कटर को यूज करते हैं. फोम कटर का मतलब क्या होता है? जिस ज्योमेट्री का और जिस शेप का आप मशीनिंग करना चाहते हो, उसी ज्योमेट्री और शेप का आपका कटर होता है. उसी ज्योमेट्री और शेप का क्या होता है? आपका कटर होता है. सो फोम मिलिंग कटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रिसेस. रिसेस प्रोड्यूस करने के लिए हम फोम मिलिंग कटर का यूज में लेते हैं. सो आई कैन राइट इट एज अ फोम मिलिंग कटर. दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द मिलिंग कटर जिसका हम यूज किसके लिए करते हैं? रिसेस प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं. किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? रिसेस प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. और रिसेस वो कैसा होता है? देखिए, रिसेस वो होता है आपका कुछ इस तरीके का. ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ द रिसेस. एंड टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ द रिसेस आपका जो कटर होना चाहिए वो भी किस शेप का होना चाहिए? इसी शेप का होना चाहिए. किस शेप का होना चाहिए? इसी शेप का. तो इस टाइप के जो रिसेस को नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? इस टाइप के रिसेस को नाम दिया जाता है डबल डोवटेल रिसेस. इस टाइप के रिसेस को क्या नाम दिया जाता है? डबल डोवटेल रिसेस. डबल डोवटेल रिसेस. तो डबल डोवटेल रिसेस प्रोड्यूस करने के लिए हम किस टाइप के मिलिंग कटर का यूज करते हैं? फोम मिलिंग कटर का यूज करते हैं. सर, क्या ये जरूरी है कि ये जो हम डबल डोवटेल रिसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वर्कपीस के बीच में हो? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है. आप वर्कपीस के किसी दूसरे एंड पर भी डबल डोवटेल रिसेस प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फोम मिल कटर. विद द हेल्प ऑफ फोम मिल कटर. तो फोम मिल कटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? वर्कपीस के दूसरे एंड पर भी, वर्कपीस के दूसरे एंड पर भी आप क्या कर सकते हो? एक रिसेस प्रोड्यूस कर सकते हो. तो क्वेश्चन यहां से सिर्फ ये बनता है कि डबल डोवटेल रिसेस कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द फोम मिलिंग कटर. इट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द फोम मिलिंग कटर. नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग कटर इज साइड मिलिंग कटर. तो अब मैं जो मिलिंग कटिंग ऑपरेशन बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ईजी है. नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग कटर इज साइड मिलिंग कटर. नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग कटर इज साइड मिलिंग कटर. तो साइड मिलिंग कटर का हम यूज क्या करते हैं? साइड मिलिंग कटर का हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस स्लॉट्स. टू प्रोड्यूस स्लॉट्स. तो ये स्लॉट किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं? देखिए, आपके पास एक मिलिंग कटर होगा, ठीक है, और इस मिलिंग कटर को हम हॉरिजॉन्टल स्पिंडल के साथ अटैच करेंगे. इस मिलिंग कटर को हम किसके साथ अटैच करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्पिंडल के साथ अटैच करेंगे. और ये आपके वर्कपीस में कुछ इस तरीके से स्लॉट प्रोड्यूस कर देगा. सो दिस इज योर वर्कपीस. और इस वर्कपीस में क्या होगा?
आपका मिलिंग कटर स्लॉट प्रोड्यूस करेगा, किसको प्रोड्यूस करेगा, स्लॉट को प्रोड्यूस कर देगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका फेस मिलिंग सॉरी जो आपका साइड मिल कटर है, ये साइड मिल कटर किस टाइप के मिलिंग मशीन में यूज में लिया जाता है, इट इज यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्म मिल कटर की, जिसमें हम डाउटेल रिसेस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसमें कौन सी मिलिंग मशीन हो जाएगी, उसमें हो जाएगी आपकी वर्टिकल मिलिंग मशीन, उसमें क्या हो जाएगी आपकी वर्टिकल मिलिंग मशीन। नेक्स्ट टाइप का जो आपका मिलिंग कटर होता है दैट इज स्ट्रेडल मिलिंग कटर। स्ट्रेडल मिलिंग कटर में क्या होता है, हम दो मिलिंग कटर्स को एक साथ यूज में लेते हैं। दिस इज योर फर्स्ट मिलिंग कटर, दिस इज योर सेकंड मिलिंग कटर, दिस इज द फर्स्ट मिलिंग कटर, दिस इज द सेकंड मिलिंग कटर, दिस इज द फर्स्ट मिलिंग कटर, दिस वन इज द सेकंड मिलिंग कटर, दिस इज द सेकंड मिलिंग कटर। इन दोनों कटर को हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, इन दोनों कटर को हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल इनको हम कटिंग कटिंग जो वेलोसिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, कटिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं। अब इन कटर्स का यूज होता है प्रोजेक्शंस की मशीनिंग करने के लिए, किसके लिए, प्रोजेक्शंस की मशीनिंग करने के लिए। सो दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। सो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेडल मिलिंग कटर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस को प्रोड्यूस करेंगे, किसको प्रोड्यूस करेंगे, प्रोजेक्शंस को प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको सिर्फ याद रखना है स्ट्रेडल मिलिंग कटर के रिस्पेक्ट में कि प्रोजेक्शन आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेडल मिलिंग कटर, प्रोजेक्शन आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेडल मिलिंग कटर। और ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा टाइप का मिलिंग कटर है जिसमें दो मिलिंग कटर अटैच होते हैं, जिसमें दो मिलिंग कटर अटैच होते हैं, ये होता है आपका स्ट्रेडल मिलिंग कटर। क्या होता है आपका स्ट्रेडल मिलिंग कटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग कटर इज गैंग मिलिंग कटर, नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग कटर इज गैंग मिलिंग कटर। अब गैंग मिलिंग कटर में क्या होता है वो देखते हैं कि गैंग मिलिंग कटर में क्या होगा। देखिए गैंग मिलिंग कटर में क्या होगा, नंबर ऑफ पेरिफेरिकल कटर्स विल बी यूज्ड एट ए टाइम। गैंग मिलिंग कटर में क्या होगा, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द गैंग मिलिंग कटर। गैंग मिलिंग कटर में क्या होगा, देखिए गैंग मिलिंग कटर में क्या होगा, अगर आपके वर्कपीस का जो सरफेस है वो ज़्यादा बड़ा है, अगर आपका वर्कपीस का जो सरफेस है वो ज़्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल आपका वर्कपीस इतना बड़ा है, तो इस वर्कपीस पर हम एक साथ अगर मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं तो एक साथ मटेरियल रिमूव करने के लिए हम नंबर ऑफ पेरिफेरिकल कटर्स को एक साथ यूज़ करेंगे। सो से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर तीन पेरिफेरिकल कटर यूज़ में लेने हैं, दिस इज योर फर्स्ट पेरिफेरिकल कटर, दिस इज योर सेकंड पेरिफेरिकल कटर, दिस इज योर थर्ड पेरिफेरिकल कटर। इसमें क्या हो रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल के साथ नंबर ऑफ पेरिफेरिकल कटर्स अटैच हैं और ये तीनों पेरिफेरिकल कटर एक साथ क्या करेंगे, मिलिंग ऑपरेशन करेंगे। तो एक साथ मिलिंग ऑपरेशन करने के कारण इन्हें हम कहते हैं गैंग मिलिंग कटर, इन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग मिलिंग कटर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो आपका मिलिंग ऑपरेशन आता है, यहां तक आपके मिलिंग कटर्स कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूं जिनसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो मैं मिलिंग ऑपरेशन बता रहा हूं दैट इज सो मिलिंग। सो का आपने नाम सुना है, सो क्या होता है, हेक्सा में जो सो होता है वही वाला ये हेक्सा है, ठीक है। सा एक तरीके का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है और हम एज ए सा को मिलिंग कटर यूज में लेते हैं, एज ए सा को हम किसके साथ यूज में लेते हैं, मिलिंग कटर के रूप में यूज में लेते हैं। और ये सा नजर कैसे आती है, इट विल बी इन ए सर्कुलर सेक्शन और ये सर्कुलर प्लेट होती है जिसकी पेरिफेरी पर नंबर ऑफ टीथ होते हैं, जिसकी पेरिफेरी पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ टीथ होते हैं, कुछ इस तरीके से। दिस इज द मिलिंग कटर। अब ये मिलिंग कटर कौन सा है, ये सो मिलिंग कटर है। कौन सा मिलिंग कटर है, ये सो मिलिंग कटर है और इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, इसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और थिकनेस कम होने के कारण विद द हेल्प ऑफ द सो मिलिंग हम क्या करते हैं, नैरो स्लॉट्स और ग्रूव्स प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं, नैरो स्लॉट्स और ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हैं। नैरो स्लॉट्स और ग्रूव किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, देखो इतने नैरो,
क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत कम, और थिकनेस कम होती है तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। सो दीज आर द टीथ ऑफ द मिलिंग कटर विच आर इन द फॉर्म ऑफ द सो। ये आपका सो कटर है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक नैरो होल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, नैरो होल नहीं, ये नैरो ग्रूव या फिर नैरो स्लॉट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस डायरेक्शन में घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहां पर आपके एक स्लॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? स्लॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नैरो स्लॉट्स और ग्रूव विद द हेल्प ऑफ विच मिलिंग मशीन प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज द शो मिलिंग ऑपरेशन, दैट इज द शो मिलिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन इज द हेलिकल मिलिंग, नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन इज हेलिकल मिलिंग। बस इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको उनको फोकस रख के याद रखना है। जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनके फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप जो है आपका मिलिंग का, वो है आपका हेलिकल मिलिंग। वो क्या है आपका? हेलिकल मिलिंग। हेलिकल मिलिंग में क्या होता है? हेलिकल मिलिंग में हम हेलिकल ग्रूव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? हेलिकल ग्रूव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हेलिकल ग्रूव्स प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ, दीज आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर और कोन, कोन या फिर सिलेंडर की सरफेस पर जिस मेथड से हेलिकल ग्रूव्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलिकल मिलिंग। जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम सिलेंडर की या फिर कोन की एक्सटर्नल सरफेस पर हेलिकल ग्रूव्स प्रोवाइड करते हैं, हेलिकल स्लॉट्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलिकल मिलिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हेलिकल मिलिंग कहते हैं। तो हेलिकल मिलिंग से क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा समझ जाना किससे रिलेटेड आएगा, हेलिकल ग्रूव से ही आएगा। सो मिलिंग से आएगा तो किससे रिलेटेड आएगा? नैरो स्लॉट्स या फिर ग्रूव से आएगा। किससे आएगा? नैरो स्लॉट्स या फिर नैरो ग्रूव से आएगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इसके बाद क्या आता है आपके? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का मतलब होता है कि ये एक तरीके की सीएनसी मशीनिंग होगी, ये एक तरीके की सीएनसी मशीनिंग होगी। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का मतलब है कि मिलिंग मशीन के सारे काम, जो डिफरेंट डिफरेंट मिलिंग मशीन होती है उन सभी के काम ये मशीन कर देगी। तभी तो इसका नाम क्या हुआ? यूनिवर्सल हुआ, क्योंकि जितने टाइप्स की मिलिंग मशीन होती है उन सभी मिलिंग मशीन में जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सभी ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कर देगी। इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज द 5XS सीएनसी मिलिंग मशीन, 5XS सीएनसी मिलिंग मशीन। और इस मशीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कंटूर को मशीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कंटूर जो होते हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं? मशीनिंग कर सकते हैं। सो आपको सिर्फ याद रखना है कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का एग्जांपल क्या है, दैट इज द 5XS सीएनसी मिलिंग मशीन, दैट इज द 5XS सीएनसी मिलिंग मशीन। और इस 5XS होने के कारण क्या होगा? आपका जो टूल होगा वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्वाइवल कर सकता है। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो वर्टिकल भी हो सकता है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि ये किस टाइप की मशीनिंग है? ये सीएनसी मशीनिंग है। कैसी मशीनिंग है? ये सीएनसी मशीनिंग है। हाँ सर, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने इसका फंक्शन भी बता दिया, दैट टूल कैन स्वाइवल इन एनी डायरेक्शन। आपका टूल किसी भी डायरेक्शन में स्वाइवल होकर रोटेट हो सकता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मिलिंग मशीन। ये इस मशीन मिलिंग मशीन की क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मिलिंग, दैट इज द स्ट्रिंग मिलिंग, दैट इज द स्ट्रिंग मिलिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन में। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन में। स्ट्रिंग मतलब क्या होगा? कंटिन्यूएशन में। तो मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रिंग मिलिंग के बारे में। किसके बारे में सर? स्ट्रिंग मिलिंग के बारे में। स्ट्रिंग मिलिंग में क्या होता है देखिए, अगर आपके पास मान लो तीन वर्कपीस है, कितने वर्कपीस है? दिस इज वन वर्कपीस, दिस इज योर सेकंड वर्कपीस, दिस इज योर थर्ड वर्कपीस। तीनों वर्कपीस आइडेंटिकल है, इनकी लेंथ तीनों की सेम है। तो जब आप इनका
क्या करोगे, मिलिंग करोगे। तो ये आपका मिलिंग कटर है, तीनों के लिए मैंने मिलिंग कटर लगा दिए। ये आपका मिलिंग कटर इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो ईच मिलिंग कटर हैज हिज ऑन कंपल्सरी अप्रोच। तो सभी मिलिंग कटर को हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं इफेक्टिव लेंथ की, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, 3L। इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, 3L, L प्लस L प्लस L। इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल्स टू 3L। बताइए सही, 3X सही कहा आपने, बिल्कुल 3X प्लस 3L। लेकिन सर स्ट्रिंग मिलिंग से क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग मिलिंग से देखो क्या होगा। स्ट्रिंग मिलिंग में मैं क्या करूंगा, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख दूंगा। जब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखूंगा तो एक ही मिलिंग कटर की हेल्प से मैं इनकी मिलिंग कर दूंगा। तो जब मैं एक ही मिलिंग कटर की हेल्प से इनकी मिलिंग कर दूंगा तो देखो यहां पर इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, एक्स एल एल एल। तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 3L। तो 3L दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें क्या है x और इसमें क्या है 3x। तो इफेक्टिव लेंथ कम किस में हुई सर, इफेक्टिव लेंथ कम हुई स्ट्रिंग मिलिंग में। इफेक्टिव लेंथ किस में कम हुई, स्ट्रिंग मिलिंग में। तो इफेक्टिव लेंथ कम होने के कारण मशीनिंग टाइम भी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। मशीनिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्ट्रिंग मिलिंग हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मशीनिंग टाइम एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग मिलिंग ऑपरेशन। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि वर्क पीस को कंटिन्यूएशन में किस मिलिंग मशीन में रखते हैं जिसके कारण उसमें हमें सिर्फ एक बार कंपल्सरी अप्रोच प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज द स्ट्रिंग मिलिंग, दैट इज द स्ट्रिंग मिलिंग। नाउ लेट्स कम टू द रेसिप्रोकल मिलिंग। नाउ लेट्स कम टू द रेसिप्रोकल मिलिंग की रेसिप्रोकल मिलिंग में क्या होता है, रेसिप्रोकल मिलिंग में क्या होगा, रेसिप्रोकल मिलिंग। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिलिंग मशीन जिसमें एक स्पेशल टाइप की टेबल होती है, जिसमें एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, टेबल होती है। दिस इज द टेबल ऑफ द मिलिंग मशीन। यहां पर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को माउंट करते हैं, क्या करते हैं, वर्कपीस को माउंट करते हैं और इस वर्कपीस को कर देते हैं क्लैंप। क्या कर देते हैं, क्लैंप। इस टेबल के नीचे भी हम वर्कपीस को क्लैंप कर सकते हैं, इस टेबल के नीचे भी हम वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लैंपिंग करने से क्या फायदा होगा कि जब भी आपकी मशीनिंग कंप्लीट होगी आप इस टेबल को 180 डिग्री रोटेट कर देंगे और 180 डिग्री रोटेट करने के कारण क्या होगा, नीचे वाला वर्कपीस ऊपर आ जाएगा, अब हम उस पर मशीनिंग कर लेंगे। तो जब नीचे वाला वर्कपीस ऊपर आके उस पर मशीनिंग हो रही होगी तो हम जिस पर मशीनिंग हो चुकी है उसकी अनलोडिंग कर देंगे और नए वर्कपीस की वापस क्या कर देंगे, लोडिंग कर देंगे। तो इस अनलोडिंग और लोडिंग में जो आपका आइडियल टाइम होता है उसको डिक्रीज करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं, रेसिप्रोकल मिलिंग को यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं, रेसिप्रोकल मिलिंग को यूज में लेते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द अनदर टाइप ऑफ द मिलिंग मशीन, दैट इज बेड टाइप मिलिंग मशीन, दैट इज बेड टाइप मिलिंग मशीन। तो बेड टाइप मिलिंग मशीन में क्या होगा, टेबल की जगह एक बहुत बड़ा बेड होगा, टेबल की जगह एक बहुत बड़ा बेड होगा और बहुत बड़ा बेड का मतलब है कि उस पर हम लार्ज वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, मशीन कर सकते हैं। लार्ज वर्कपीस की मशीनिंग करने के लिए हम यूज में लेते हैं बेड टाइप मिलिंग मशीन। लार्ज अगर वर्कपीस होगा तो हम किसके पास जाएंगे, बेड टाइप मिलिंग मशीन के जाएंगे। तो देखिए आपका वर्कपीस से फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा है और इसकी मशीनिंग करने के लिए नंबर ऑफ स्पिंडल्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, इसकी मशीनिंग करने के लिए हमने नंबर ऑफ स्पिंडल प्रोवाइड्स कर रखे हैं। तो अभी डायग्राम में आपको कितने स्पिंडल नजर आ रहे हैं, चार। दिस इज द स्पिंडल, दिस इज द स्पिंडल, दिस इज द स्पिंडल, दिस इज द स्पिंडल और इन स्पिंडल के आगे लगा हुआ है मिलिंग कटर। इन स्पिंडल के आगे क्या लगा हुआ है, कटिंग टूल लगा हुआ है और इसको हमने रख रखा है एक बेड पर। किस पर रख रखा है, एक बेड पर रखा है और उस बेड को हम कहते हैं मिलिंग बेड। उस बेड को हम क्या कहते हैं, मिलिंग बेड। और उस बेड के अलोंग आप वर्कपीस को पोजीशन कर सकते हो, उस बेड के अलोंग क्या कर सकते हो, आप वर्कपीस को पोजीशन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बेड टाइप मिलिंग मशीन में एक ही साथ हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होने के कारण नंबर ऑफ सर्फेसेस पर मिलिंग कर रहे हैं। बेड टाइप मिलिंग मशीन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल्स भी होंगे और वर्टिकल स्पिंडल्स भी होंगे।
तो एक साथ क्या होगा, नंबर ऑफ सरफेसेस पर आप मिलिंग कर पाओगे, लेकिन यहां पर केवल एक ही सरफेस है जिस पर हम मिलिंग नहीं कर सकते। बताइए वो कौन सी सरफेस है। बेड टाइम मिलिंग मशीन में एक ऐसी सरफेस होती है जिसकी मिलिंग आप नहीं कर सकते हो। बताइए बेड टाइम मिलिंग मशीन में जो आपका वर्क पीस होता है, जो आपका वर्क पीस होता है उसकी जो बॉटम सरफेस होती है आप उसकी मशीनिंग नहीं कर सकते हो, बाकी जो इसकी जितनी भी सरफेस होती है उनकी आप मशीनिंग कर सकते हो। मशीनिंग इन द सेंस आप उनकी मिलिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मिलिंग कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द बेड टाइप मिलिंग मशीन। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? व्यवहार। व्यवहार, ठीक है। सो देयर आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन। बहुत ही इजी है, आपको उनमें से दो तो पता ही है। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको दो पहले से ही पता है, और पहले से पता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दैट इज द चिप थिकनेस इज वेरिएबल। यस सर, ये आपने हमें बता रखा है, दैट इज चिप थिकनेस इज वेरिएबल। अगर चिप थिकनेस इज वेरिएबल है तो मुझे आप बताइए सरफेस फिनिश कैसे होगी? सर, सरफेस फिनिश होगी हमारी पुअर। सरफेस फिनिश कैसी होगी? पुअर होगी, बेटर नहीं होगी। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन विच यू आर ऑलरेडी नो। चिप थिकनेस इज वेरिएबल मतलब आपकी जो चिप थिकनेस होगी वो सम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू वेरी करेगी, और या फिर मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू करेगी अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव अप मिलिंग और डाउन मिलिंग ऑपरेशन। यहां तक आपको पता है, और द मैक्सिमम जो चिप थिकनेस की वैल्यू होती है वो भी मैंने आपको बता रखा है। जो मैक्सिमम चिप थिकनेस की वैल्यू होगी वो भी मैंने आपको क्या कर रखा है? बता रखा है। सो द नेक्स्ट टू आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन इज दैट मिलिंग ऑपरेशंस में क्या होंगे? वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे। वाइब्रेशंस क्या होंगे? बहुत ज्यादा। वाइब्रेशन अच्छी चीज है या बुरी? आप मुझे एक बात बताइए कि जो वाइब्रेशंस होते हैं मशीनरी में वो मशीनरी के लिए बेनिफिशियल होते हैं या उनसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? यस सर, वाइब्रेशंस होने से जो मशीन की जो लाइफ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और उससे फटीक लोडिंग हो सकता है। उससे फटीक लोडिंग हो जाएगा, और फटीक लोडिंग होने से क्या होगा, उसमें जो फेलियर होगा दैट विल बी द फटीक फेलियर। ठीक है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर सॉन्ग। कि वाइब्रेशंस होने से क्या होता है? वाइब्रेशंस होने से जो आपकी जो लाइफ होती है किसी भी कंपोनेंट की वो डिक्रीज हो जाती है। किसी भी कंपोनेंट की लाइफ हो अगर उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो उसके लाइफ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सो द वाइब्रेशन इन द मिलिंग ऑपरेशन इज वेरी हाई। व्हाई दिस इज हाई? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाई द वाइब्रेशन इन मिलिंग ऑपरेशंस आर वेरी हाई। सो टिल नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आप अपने दिमाग में सिर्फ ये बात डाल लीजिए कि वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हम कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं? मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं? मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन इज दैट इट इज एन इंटरप्टेड मिलिंग ऑपरेशन। इट इज एन इंटरप्टेड मिलिंग ऑपरेशन मतलब जो मिलिंग ऑपरेशन में जो मशीनिंग होगा वो कैसे होगा? इंटरप्टेड होगा। तो मैं कह सकता हूं इंटरप्टेड मिलिंग ऑपरेशन या फिर इंटरप्टेड मशीनिंग ऑपरेशन। जो मिलिंग ऑपरेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरप्टेड होता है। इंटरप्टेड मतलब होता है कि उसमें जो चिप्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है लॉन्ग चिप्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, और मिलिंग का आपको पता है कि कैसी चिप्स प्रोड्यूस होती है? डिसकंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस होती है। कैसी चिप प्रोड्यूस होगी? डिसकंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस होगी। और आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या डक्टाइल मटेरियल की भी डिसकंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल प्रोड्यूस हो सकती है। अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की मिलिंग करूंगा तो उसकी कैसी चिप प्रोड्यूस होगी? सर, डिसकंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस होगी। तो ये आपको फोर कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिप थिकनेस इज वेरिएबल। चिप थिकनेस इज वेरिएबल, क्योंकि इस चिप थिकनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। सो नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई द वाइब्रेशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मिलिंग ऑपरेशन। व्हाई वाइब्रेशंस आर इंड्यूस्ड। सो देयर आर द रीजंस ऑफ द वाइब्रेशंस। सो रीजंस ऑफ हाई वाइब्रेशंस के रीजन क्या होते हैं? हाई वाइब्रेशन का रीजन क्या होता है? हाई वाइब्रेशन का सबसे पहला रीजन होता है इफ यू आर प्रोवाइडिंग लार्ज डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट।
डेप्थ ऑफ कट का मतलब क्या है कि आपने ज्यादा मटेरियल निकालने के लिए क्या किया, टूल को ज्यादा पेनेट्रेशन दे दिया, और जब ये टूल को ज्यादा पेनेट्रेशन मिलेगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, वाइब्रेशंस भी ज्यादा होंगे। ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, वाइब्रेशंस भी सर ज्यादा होंगे। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड रीजन ऑफ द वाइब्रेशन, व्हाट इज द सेकंड रीजन ऑफ द वाइब्रेशन। सेकंड रीजन क्या है वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन का सेकंड रीजन है कि आपने यूज कर लिया जीरो हेलिक्स कटर, आपने यूज किया है जीरो हेलिक्स कटर। तो सर ये जीरो हेलिक्स कटर हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज है। अरे ये आपको पता है जीरो हेलिक्स कटर क्या है, ये जीरो हेलिक्स कटर आपको पता है कि जिसमें हेलिक्स एंगल क्या होगा, बताऊं मुझे, जीरो होगा। जिसमें हेलिक्स एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हेलिक्स एंगल जीरो होता है, हेलिक्स एंगल जीरो होगा, तब भी आपके क्या होंगे, वाइब्रेशन ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे, आपके मशीनरी में वाइब्रेशन होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, वाइब्रेशन होने लगेंगे। द थर्ड रीजन ऑफ द वाइब्रेशन इज, यदि आपकी जो मशीन की जो रिजिडिटी है, मशीन की जो रिजिडिटी है, मशीन हैज लेस रिजिड, मशीन हैज लेस रिजिडिटी, यदि आपकी मशीन की रिजिडिटी कम है, कमजोर है, पुरानी हो चुकी है, तो भी वो ज्यादा कटिंग फोर्सेस को क्या नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मशीनरी में वाइब्रेशंस होने लगेंगे। अगर उसके नट बोल्ट क्या होंगे, लूज होंगे, उस कंडीशन में भी क्या होंगे, उसमें वाइब्रेशंस होने लगेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द वाइब्रेशन, दिस इज ऑल्सो रीजन ऑफ द वाइब्रेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या ऐसा भी एंगल होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, और वो कौन सा एंगल मैं आपको बताने वाला हूं। इफ यू आर प्रोवाइडिंग हाई एक्सियल रेक देन द वाइब्रेशन इंड्यूस्ड इन द मशीनरी विल बी इंक्रीज। क्या होगा, हाई एक्सियल एंगल प्रोवाइड करने से भी वाइब्रेशंस इंक्रीज होते हैं। आपको सर क्या नहीं पता है, आपको सर नहीं पता है कि मिलिंग कटर में जीरो हेलिक्स कटर से क्यों इंक्रीज होते हैं, और हमें नहीं पता है सर हाई एक्सियल रेक एंगल से क्यों इंक्रीज होते हैं। तो अब जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज बेस्ड ऑन द जीरो हेलिक्स कटर, कि जीरो हेलिक्स कटर से आपके वाइब्रेशंस क्यों इंक्रीज होते हैं। बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझना है। आपने सब कुछ समझ रखा है, बस क्या चीज है कि आपको वो चीज रिकॉल नहीं हो रही है। आपको सब कुछ आता है, आपने सारे एग्जाम्स पास करके अपनी डिग्री ली है, और आपको दिक्कत यह आ रही है कि आप उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब यह है कि आपने पढ़ चुके हो, आप ये चीजें पहले पढ़ चुके हो, लेकिन रिकॉलिंग नहीं हो रही है। हम कोई भी चीज एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है और वो पुरानी मेमोरी में चल जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम वापस पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाना होता है, ताकि वो जो ओल्ड मेमोरी में जा चुका है बिल्कुल फ्रेश मेमोरी में आ जाए, और वो हमें चीज क्या आ जाए, याद होने लगे। फिर हमें फील होता है हाँ ये हमने पढ़ रखा है, ऐसा कुछ हमने देख रखा है। कभी कभी हमें फील होता है कि हम इस जगह कहीं कभी पहले भी आ चुके हैं, ऐसा हमें फील होता है। तो ये फील होने वाली चीज़ है कि आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वो पॉइंट्स निकाल के बता रहा हूँ, ताकि वो चीज़ें आपको वापस याद आ जाए, और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपने तरीके से समझ सको। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द जीरो हेलिक्स कटर। अब जीरो हेलिक्स कटर का जैसे मैं नाम ले रहा हूं तो आपको याद आ रहा होगा, एक रीमर याद आ रहा होगा, जिसमें जो हेलिक्स एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल वैसा ही मिलिंग कटर होता है। देखिए कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका क्या होता है, रीमर, जिसमें हेलिक्स एंगल क्या होता है, जीरो, जिसमें हेलिक्स एंगल क्या होता है, जीरो होता है। इसमें भी जो हेलिक्स होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रेट, हेलिक्स स्ट्रेट होंगे। अब जब वो हेलिक्स स्ट्रेट है तो उसका हेलिक्स एंगल क्या होगा, जीरो होगा। हेलिक्स एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और हेलिक्स एंगल जीरो होने के कारण क्या होगा, जब आपका ये जो फ्लूट है वर्कपीस से कांटेक्ट में आएगा, तो जैसे ही ये वर्कपीस से कांटेक्ट में आएगा एक फ्लूट एट ए टाइम, फोर्स सडनली इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और ये मटेरियल रिमूव करके जैसे ही डिसंगेज होगा, फोर्स सडनली डिक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हेलिक्स होगा वो कांटेक्ट में आएगा, नेक्स्ट फ्लूट होगा वो कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने से अगेन लोड सडनली इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही इसका डिसएंगेजमेंट होकर ये निकलेगा तो लोड सडनली डिक्रीज हो जाएगा। तो जीरो हेलिक्स कटर से क्या होता है, लोड सडनली इंक्रीज होते हैं और लोड सडनली डिक्रीज होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें सडन कॉन्टैक्ट और सडन डिसएंगेजमेंट होता है।
सडन कॉन्टैक्ट और सडन डिसएंगेजमेंट होने के कारण सडनली लोड इंक्रीज होगा और सडनली लोड डिक्रीज होगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, सडनली लोड इंक्रीज करके डिक्रीज कर दूँ, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो आपको मेरे हाथ से ही पता चल रहा होगा कि हाथों में वाइब्रेशन होने लगा है। अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें भी क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो अगर सडनली लोड इंक्रीज होगा और सडनली लोड डिक्रीज होगा तो क्या होंगे, इम्पैक्ट लोड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इम्पैक्ट लोड। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ की। कैसे, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ की। जब कॉन्टैक्ट हुआ तो सडनली लोड इंक्रीज हो गया, जीरो से सडनली लोड इंक्रीज हुआ, सडनली डिक्रीज हुआ, सडनली इंक्रीज हुआ, सडनली डिक्रीज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण जीरो हेलिक्स कटर में क्या होते हैं, इम्पैक्ट लोड आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इम्पैक्ट लोड आते हैं। और इम्पैक्ट लोड आने के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। इम्पैक्ट लोड आने के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द जीरो हेलिक्स कटर। तो सर हम इन वाइब्रेशन को डिक्रीज कैसे करें, इसको मत यूज करो, जो भी वाइब्रेशन का रीजन है ना वो मत आने दो। आपकी मशीन की रिजिडिटी कम है, इंक्रीज कर दो। आपका जो हेलिक्स कटर है वो जीरो है, नॉन जीरो यूज करो, तो वाइब्रेशंस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर आप हैवियर डेप्थ ऑफ कट यूज कर रहे हो तो थोड़ा डेप्थ ऑफ कट कम कीजिए, फीड रेट थोड़ा कम कीजिए, तो उससे क्या होंगे, वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे। सो नाउ आई एम कमिंग टू द नॉन जीरो हेलिक्स कटर, नॉन जीरो हेलिक्स कटर। अब ये तो आप भी मुझे समझा देंगे क्योंकि अब आपके दिमाग में आने लग जाएगा, सर अगर नॉन जीरो हेलिक्स कटर है तो सडन कॉन्टैक्ट और सडन डिसएंगेजमेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जो वाइब्रेशन के कारण थे वो ही नहीं हो रहे हैं। तो नॉन जीरो हेलिक्स कटर में क्या होगा, नॉन जीरो हेलिक्स कटर में क्या होगा, ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट और ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट होगा। जीरो हेलिक्स कटर में एट ए टाइम ओनली वन फ्लूट यूज में आ रहा था, वन फ्लूट आपका वर्कपीस के साथ कॉन्टैक्ट में हो रहा था, लेकिन नॉन जीरो हेलिक्स कटर में मोर देन वन फ्लूट विल बी इन कॉन्टैक्ट एट ए टाइम। मान लो तीन फ्लूट कॉन्टैक्ट में होंगे, तो जब तीसरा फ्लूट डिसएंगेज हो रहा होगा तो वापस एक नया फ्लूट कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि एट ए टाइम मोर देन वन फ्लूट कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो जब मोर देन वन फ्लूट कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो एक धीरे धीरे डिसएंगेज हो रहा होगा और एक धीरे धीरे एंगेज हो रहा होगा। तो मतलब ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट और ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट होगा। तो ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट और ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट होने के कारण क्या होगा, सर लोड सडनली और अपना इम्पैक्ट लोड है वो सडनली इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब वो सडनली इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उसमें देखो कुछ इस तरीके से होगा, लोड तो पहले तो मैक्सिमम होगा बट ड्यू टू ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट क्या होगा, लोड में सडनली चेंज नहीं आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, दीज आर द वर्टिकल लाइंस। सो लोड में जो चेंज आ रहा है वो स्टडियर है, लोड में जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, स्टडियर चेंज है। और स्टडियर चेंज होने के कारण क्या होगा, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस विल बी डिक्रीज्ड, इंड्यूस्ड वाइब्रेशन विल बी डिक्रीज। तो हमेशा वाइब्रेशन डिक्रीज करने के लिए कैसा हेलिक्स कटर होना चाहिए, नॉन जीरो हेलिक्स कटर होना चाहिए। और क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि इफ वी यूज द जीरो हेलिक्स कटर देन व्हाट विल हैपन टू द मिलिंग ऑपरेशंस, वाइब्रेशंस विल बी इंक्रीज्ड, वाइब्रेशन विल बी इंक्रीज। नाउ लेट्स कम टू द रेडियल एंड द एक्सियल रेक एंगल, रेडियल एंड द एक्सियल रेक एंगल, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। बिल्कुल आसान है, आपको इसमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको इसमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ मिलिंग कटर की तो वो कैसा नजर आता है, देखिए उसे पहले, आपका जो मिलिंग कटर होता है वो देखिए कैसा नजर आता है। कुछ ऐसा नजर आता है, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही मिलिंग कटर नजर आता है। अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, यहां से, कहां से, यहां से देखते हो, यहां से देखते हो तो आपको जो ये वाला एंगल नजर आएगा, ये वाला, दिस एंगल, दिस एंगल इज द रेडियल रेक एंगल। क्यों, क्योंकि हम इसको रेडियल डायरेक्शन में देख रहे हैं। किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, रेडियल, वाह सर हमें तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही। रेडियल डायरेक्शन में देखने पर हमें क्या नजर आ रहा है, रेडियल
रेक एंगल, तो किस डायरेक्शन में देखने पर मुझे एक्सियल रेक नजर आएगा, बताओ, खुद ही बता दो आप। सर एक्सियल डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? एक्सियल डायरेक्शन में देखने पर मुझे एक्सियल रेक नजर आने वाला है। अगर मैं बात करता हूं एक्सियल रेक एंगल की, तो एक्सियल रेक एंगल देखने के लिए आप किस डायरेक्शन से देखेंगे? सर एक्सियल डायरेक्शन से देखेंगे। तो जब हम एक्सियल डायरेक्शन से देखेंगे तो देखिए मिलिंग कटर कैसा नजर आने वाला है। मिलिंग कटर आपको देखिए कुछ ऐसा नजर आएगा, दिस इज योर मिलिंग कटर, दिस इज द आर्बर, और इस आर्बर पे है आपके मिलिंग कटर। यह है आपका एक कटर बता रहा हूं मैं सिर्फ, ये आपका ऐसे आर्बर आगे जा रहा है, ठीक है, यहां तक चला गया, ये मिलिंग कटर भी ऐसे आगे जा रहा है और ये आर्बर ऐसे आ रहा है। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है, ये मिलिंग कटर इस डायरेक्शन में ना जाते हुए, ये मिलिंग कटर इस डायरेक्शन में ना जाते हुए थोड़ा सा इंक्लाइंड जा रहा है। कैसा जा रहा है? इंक्लाइंड जा रहा है। कैसा जा रहा है? इंक्लाइंड जा रहा है, लाइक दैट। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका मिलिंग कटर है इस डायरेक्शन में ना जाते हुए थोड़ा सा इंक्लाइंड जा रहा है, और इंक्लाइंड जाने से जो इस एक्चुअल डायरेक्शन में जो आपको एंगल मिलेगा उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रेक एंगल। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेक एंगल। आपका मिलिंग कटर किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस ब्लू कलर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला, ठीक है, ब्लू कलर वाली डायरेक्शन में। ये एंगल कौन सा होगा सर? ये एंगल कौन सा होगा? सर ये एंगल होगा आपका एक्शियल रेक एंगल। बहुत इजी है सर। इसको हम कहां से देख रहे हैं? सर यहां से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से। यहां से देखने, तब यहां से देखने पर हमें मिलेगा एक्शियल रेक एंगल। कौन सा एंगल मिलेगा? एक्शियल रेक एंगल मिलेगा। एंड व्हाई डू वी इंक्रीज द एक्शियल रेक एंगल? एक्शियल रेक एंगल इज इंक्रीज टू रिड्यूस द इंपैक्ट लोडेड इन द अप मिलिंग। अप मिलिंग में इंपैक्ट लोड को डिक्रीज करने के लिए हम किसको इंक्रीज करते हैं? एक्सियल रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं। और एक्सियल रेक इंक्रीज होने के कारण वाइब्रेशंस भी होने लगते हैं। एक्सियल रेक होने के कारण क्या होंगे? इंक्रीज होने से वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होने लगेंगे। सो दिस इज द एक्सियल रेक एंगल। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द मिलिंग, दैट इज व्हाई द सरफेस फिनिश ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन, व्हाई द सरफेस फिनिश ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मिलिंग ऑपरेशन इज पुअर। उनकी सरफेस फिनिश अच्छी क्यों नहीं होती है? उसके बारे में आपको कुछ पॉइंट अभी भी पता होंगे कि सरफेस फिनिश अच्छी ना होने के कारण क्या है। उसमें से दो पॉइंट आपको पहले से पता है, दो पॉइंट आपको पहले से पता है। पहला पॉइंट यह है कि जो आपने डेप्थ ऑफ कट अगर ज्यादा दे दिया, डेप्थ ऑफ कट अगर आप ज्यादा दे दोगे तो सरफेस फिनिश क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये आपको पॉइंट पहले से पता है, बस मुझे आपको रिकॉल करवाना है। इफ वी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ कट देन द सरफेस फिनिश विल बी पुअर, देन द सर्फेस फिनिश विल बी पुअर। नेक्स्ट भी आपको पता है। नेक्स्ट क्या है सर? अगर आप कटिंग फ्लूड का ढंग से यूज नहीं करोगे, इफ यू आर यूजिंग द कटिंग फ्लूड एंड द सप्लाई ऑफ द कटिंग फ्लूड इज इम्प्रॉपर, देन द सर्फेस फिनिश ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन इज डिक्रीज। थर्ड क्या है सर? अगर आपने कटर अच्छा यूज नहीं किया, मिलिंग कटर है जो आपने, अगर मिलिंग कटर को यूज कर रहे हो, अगर वो नया नहीं है, ठीक है, या फिर उसका जो कटर है वो वॉर्न आउट हो चुका है, वो घिस चुका है, तो घिसने के कारण क्या होगा? जो टूल की ज्योमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है, मैंने आपको बताया था। और टूल की ज्योमेट्री चेंज होने के कारण सरफेस फिनिश भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिलिंग ऑपरेशन।